कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने जिलों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस सहित अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद थे। समस्त संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तर पर कार्यक्रम भोपाल में दोपहर 12 बजे से होगा। इस कार्यक्रम में संत रविदास जी के मंदिर में दर्शन पूजन एवं माल्यार्पण के साथ संतों का सम्मान किया जाएगा। अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की कौशल उन्नयन के लिए स्वीकृति पत्रों का वितरण भी होगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में अनुसूचित जाति सहित सभी वर्गों और संगठनों की सहभागिता होगी। जनता के सही प्रभावी बनाया जाएगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता सोहन सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोहन जी, कार्यों के लिए यहाँ पर नए दिशा निर्देश दिए हैं, किस तरीके से ये जानकारी दीजिए। जी देखिए, अगर बात करें तो कल 16 जनवरी को जो है संत रविदास जयंती है, उसको जो है दोनों ही दल, बीजेपी की बात करें कांग्रेस की बात करें, तो दोनों ही दल जो है बड़े स्तर पे जो है ये रविदास जयंती मनाना चाहते हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान इससे पहले भी कह चुके हैं कि सरकार जो है अपने स्तर पर, बड़े स्तर पर और यहाँ तक की पंचायत स्तर पे, क्योंकि सिर्फ क्षेत्रीय अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की जो पंचायत स्तर है वहां पे भी जो है इसका आयोजन जो है बड़े स्तर पे होना चाहिए। उसके लिए जो है पंचायतों को जो है राशि भी स्वीकृत की गई है। अब देखिए, अगर बात करें संत रविदास जयंती की, तो दलित वोट बैंक को साधने की यही पूरी कवायद है। अगर सरकार अपने स्तर पे आयोजन कर रही है, भाजपा संगठन अपने स्तर पे, एक सप्ताह तक तो जो है ये कार्यक्रम मनाया जाएगा और उसमें तमाम तरह के कार्यक्रम जो है पदाधिकारी भी शामिल होंगे। दूसरी ओर अगर बीजेपी कांग्रेस की बात मनाएगी, सागर में कल जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ एक आयोजन होगा, उस आयोजन में शामिल होंगे। क्योंकि दलित वोट बैंक की बात करें तो लगभग 15-16% जो है दलित वोट बैंक है और 80 जो विधानसभा सीटें हैं उनपे जो है इनका खासा प्रभाव देखा जाता है और इनके लिए कई सीटें भी जो है वो रिजर्व है। तो दोनों ही दल नहीं चाहते हैं कि 2023 में जो दलित वोट बैंक है वो किसी से छिटके, क्योंकि इससे पहले कि अगर बात करें जो दलित अगर पिछले परिणामों की, तो लगभग सीटें जो है बराबर थी। और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगा था कि दलित वोटर्स जो है कहीं ना कहीं उनसे रूठे या नाराज है, और संघ का भी दलित हितेशी हो क्या, पूरी कवायद जो है उसी को लेके हो रही है। जिसमें सरकार की बात करें और सत्तारूढ़ बीजेपी की बात करें, तो इंडिया जो है रविदास जयंती मनाएंगे और साथ में विपक्ष जो है कांग्रेस वो भी जो है संत रविदास जयंती मनाएंगे और खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ जो है इसमें शामिल होंगे। पूरी जो कवायद है ये दलित वोट बैंक को साधने की है। बिल्कुल, तो दोनों ही दलों की तरफ से पूरी कोशिश यहाँ पर है दलित वोट बैंक को साधने के लिए। बहुत शुक्रिया। आप देखिए, बीजेपी यहाँ पर संत रविदास की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे, इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को दिए। कल जो बैठक की उसमें यहाँ पर तमाम दिशा निर्देश दिए गए कि किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित होगा, क्या रोड मैप उसका रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी रविदास जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है और दोनों ही दल यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो दलित वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश यहाँ पर दोनों ही दल की तरफ से की जा रही है। अगली खबर का कुछ की